You're the MVP. You got the maximum kills. Your team was at 9 yesterday. We are at number 2. Ovais kya apne team ke liye? I think Ovais is spotted and bahut zyada off guard pakda gaya. Cover fire bhi nahi mila usko, which is unfortunate. Ovais goes down. Scout ab wapas push kar rahe hai. Ek ek karke in log aa rahe hain. Strider wahan pe apne TPP advantage ko bahut hi behtareen tarike se use kar raha hai, par yahan pe scout ने वो एडवांटेज को एक बार खत्म किया था स्ट्राइडर के लिए, बट आई डोंट नो. यहाँ पे स्काउट दो बंदों से फायर लेते हैं, स्काउट आल्सो गोज डाउन, एंड यहाँ पे परितोष इज द लास्ट सर्वाइविंग गाय. वी आर डाउन टू सेवन टीम्स, 18 पीपल, एंड क्या रोमांचक गेम बन चुका है यहाँ पे. स्ट्राइडर एसजी की टीम क्या बेहतरीन गेम प्ले दिखा रहे हैं, चारों बंदे अलाइव है उनके. यार मुझे आई फील बैड कि अगर सिनर्जी जैसी टीम को कोई स्ट्रॉन्ग बैकअप ना मिले, बिकॉज दे आर प्लेइंग सो गुड. कितने कंसिस्टेंट, इतना अच्छा गेम दिखाने वाली टीम के पास एक पक्का सपोर्ट पक्का होता है. बट लाइक आई होप कि ये टीम आने वाले टाइम में और अच्छी पबजी मोबाइल खेल के अपने ज्यादा से ज्यादा नाम कमाए, बिकॉज मैं ये पक्का विश करूंगा. अभी ओवेस नॉकआउट से ओवेस को रिवाइव कर दिया, इट्स अ मिरेकल, बिकॉज जितना ओपन ओवेस यहाँ पे थे मुझे लगता नहीं था पॉसिबल था. बट यहाँ पर वाइपर ने यहाँ पे लेजेंड को पिक ऑफ करा, और वाइपर ने ये लेजेंड का भी शायद यहाँ पे आर आई पी का गेम यहाँ पे खत्म हो चुका है. वी आर नाउ लेफ्ट विद द टॉप 5 टीम. यहाँ पे सोल बची, ब्रॉलर्स बची है, सिनर्जी बची है, फिनेटिक एंटिटी. किसको पता था इतने छोटे टाइम में रोस्टर शफल करके टीम सोल यहां तक पहुंच जाएगी विद अ सो प्रोमिनेंट गेम प्ले. मॉर्टल ने 3 किल निकाल लिए यहां पर, और एस एस आर वी का काफी बहुत ही गलत डिसीजन. मानता हूं उनके पास एक अच्छी रिच थी, बट एक गोली और उनकी गेम यहाँ पे खत्म होने के हाई चांसेस है. सिनर्जी के पास 4 प्लेयर जिंदा है, यहाँ पे एंटिटी के 1 प्लेयर जिंदा है, जो है नियो. नियो हमेशा से लास्ट मैन सर्वाइविंग होते हैं, बट ही ऑलवेज डिलीवर द गुड परफॉर्मेंस लेवल. यहाँ पे कोशिश करेंगे नॉकआउट करने की. मॉर्टल को पता है यहाँ पे कोई ना कोई है तो सही, बट ओके जैसी गाड़ी फटी, क्लच गॉड ने यहाँ पे नियो को पिक ऑफ कर लिया. टॉप 5 पे यहाँ पे एंटिटी नॉकआउट होती है. ओविस, व्हाट वाज दैट? आधी बुलेट उन्होंने माउंटेन में हिट कर दी थी और सीधे आइकॉनिक पलटे, और यहाँ पर ओविस को नॉकआउट कर दिया. अब स्ट्राइडर के पास एक अच्छा मौका है कि वो परितोष को इंस्टेंटली पकड़े, बट मीनवाइल आइकॉनिक ने स्ट्राइडर को भी नॉकआउट कर दिया. क्या यहाँ पर बचा पाएंगे? व्हाट वाज दैट? क्लच गॉड यहाँ पे क्या किसी को पिक ऑफ कर पाएंगे? नॉकआउट हो चुके हैं परितोष का. कितना प्यारा क्रेड भाई, कितना अमेजिंग यहाँ पे स्प्रे था. आप देखे थे कम हेल्थ पे था, कम एचपी पे था, क्लच गॉड हैड एन एडवांटेज, पर परितोष के यहाँ पे बहुत ही प्यारा पिक हमें देखने को मिला. पर यहाँ पे सोल मॉर्टल आके परितोष को फिनिश ऑफ करते हुए, सोल इज गोइंग विद 9 किल्स. वी हैव कम टू द टॉप 3 टीम्स. 4v4v4, फर्स्ट टाइम इन द लास्ट 4 डेज वी हैव सीन अ 4v4v4 सिचुएशन जहां पे ब्रॉलर सोल और सिनर्जी है. चारों के पास 9, 5 और 4 किल है. मॉर्टल गोइंग अगेंस्ट नोवा एंड आइकॉनिक. वी हैव सिनर्जी कमिंग इन बिटवीन. बहुत ही इंटेंस फाइट देखने को मिल सकता है. मॉर्टल, वाइपर, नोवा, आइकॉनिक, ये 2v2 का जो फाइट होगा. वाइपर टेक्स डाउन डार्क. यहां पे एंटिटी इज द ब्रॉलर्स इज द फर्स्ट टीम जो 3 मैन हो चुके हैं. जोन की अगर बात करें, जोन इज फेवरिंग सोल, पर यहां पे सिनर्जी बहुत ही कंपोजर के साथ खेल रहे हैं. चारों प्लेयर्स अलाइव है. ऑस्टिन अभी तक एक भी किल नहीं उठा पाया, सिर्फ विद 1-1-2 किल्स. क्लच गॉड गोइंग फॉर द नॉक फॉर स्ट्राइडर, पर यहां पे क्लच गॉड रिटेलिएटरी कवर फायर में नॉक होता है. मेजर अल्फा M249 से उसको नॉक करते हुए रेगल्टोस यहां पे DP28 अपने हाथ में रखते हुए फुल ऑन हेल्थ, ग्रेट ऑन इक्विपमेंट. रेगल्टोस के पास वो अपॉर्चुनिटी है कि एक प्यारा नेट ऑफ ब्रॉलर्स नॉक हो जाए. ब्रॉलर्स को थोड़ा यहां पे केयरफुल रहना होगा. बेस्ट पार्ट यहां पे बाकी टीम्स के लिए क्या है कि सोल स्प्लिट हुई हुई है. उन लोग चाहे तो एक एक बंदे को पिक ऑफ कर सकते हैं. एंड जैसे ही मैंने ये बोला, क्लच गॉड यहां पे पिक ऑफ हो गया है. सोल इज डाउन टू 3 मैन. ब्रॉलर स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग विद 4 गाइस. स्ट्राइडर एसजी क्या वो नॉक हो चुका है. वाइपर यहां पे मिनी चलाने की कोशिश कर रहा है, बट ही डज नॉट कनेक्ट. ऑस्टिन एक्स वहां पे सीधे ब्रॉलर्स के अंदर घुस गया, एंड आई थिंक ऑस्टिन एक्स विल गो डाउन. एंड ब्रॉलर्स के नोवा बहुत ही प्यारा M416 स्प्रे से ऑस्टिन एक्स को नॉक करते हुए. मेजर एसजी यहां पे लूजिंग ग्राउंड पे है क्योंकि उनके पास एक ही प्लेयर बचा है, सिर्फ भी मेजर अल्फा. सारे नॉक्ट रेगल्टोस को यहां पे डार्क ने फिनिश किया. ब्रॉलर्स लुकिंग सो स्ट्रॉन्ग राइट नाउ विद 8 प्लेयर्स अलाइव. इट्स अ 4v2v1 सिचुएशन आई गेस. सॉरी 4v2v3 सिचुएशन है. एसजी के अभी 3 बंदे बचे हैं. इट ऑल कम्स डाउन टू मॉर्टल, वाइपर, स्ट्राइडर, सिर्वी, मेजर अल्फा. बट नो, एज वी स्पीक मेजर अल्फा इज नॉक्ड आउट. इट्स नाउ द गेम फॉर ब्रॉलर्स. 9 बंदे अलाइव, 4 उसमें से 7 बंदे अलाइव, उनमें से 4 ब्रॉलर्स के हैं, एंड दे आर ऑन द रोल. फर्स्ट डे का हमें एक दृश्य देखने को मिल रहा है. पर वाइपर के यहाँ पे चिप फायर मिनी 14 से वो डार्क को फिनिश ऑफ करता है. थोड़ा फाइट इक्वल हो रहा है. वी हैव अ 2v3v1 सिचुएशन. क्या यहाँ पे ब्रॉलर्स कटिंग कर पाएंगे? पर वाइपर का बहुत ही प्यारा AKM का स्प्रे, एंड ही टेक्स डाउन आइकॉनिक. पर ब्रॉलर्स को यहाँ पे कुछ करना होगा बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड टू लूज दिस फाइट. वी हैव सांगवान, नोवा, एंड वी हैव सिर्वी. 3v1 का सिचुएशन, पर वहां पे मॉर्टल डाउन होता है सिर्वी के नेट से, एंड इट्स ऑल कम्स डाउन टू नोवा. जो अब यहाँ पे अगर ब्रॉलर्स एक चिकन डिनर अपने निकाल लेते हैं 9, 10, 11 किल के साथ, उनको डे 2 के एंड में जो पुश मिलेगा, आई थिंक दैट वुड बी अ बिग फैक्टर ऑन डिसाइडिंग ऑन डे 3 कि फाइनल्स के दिन में हमें क्या देखने को मिल सकता है. यहाँ पे नोवा और सांगवान पिन करके रखे हैं. आइकॉनिक को फिनिश करने की कोशिश हो रही है, बट यस ही गेट्स ही फिनिशेस ऑफ आइकॉनिक. मॉर्टल शायद रिवाइव हो सकता है, एंड अगर यहां मॉर्टल रिवाइव हो जाता है तो गेम बहुत बैलेंस आउट हो जाएगा. ब्रॉलर्स को यहां पे पुश
करना चाहिए बिकॉज ये गेम ब्रॉलर्स का है. सांगवान और नोवा वी नो दे आर टॉप नॉच असॉल्टर्स, उनको यहाँ पे ज्यादा सोचना ही चाहिए. बट यस, हर टीम के माइंड में रहता है इट कुड बी अ 2v3 सिचुएशन, इट कुड बी अ यू नो हम एक मैन डिसएडवांटेज में रह सकते हैं. दे आर नॉट श्योर, दे आर नॉट टेकिंग चांसेस. उन लोग चाहेंगे कि सामने वाली टीम गलती करे फिर हम आए. Exactly. और यहाँ पे काफी अच्छा वाइपर ने होल्ड किया, चार पे यहाँ पे ब्रॉलर के जिंदा थे बैक टू बैक. पहले डाको नॉकआउट किया, खत्म किया आइकॉनिक को, खत्म किया और उनको भी यहाँ पे खत्म किया. सो अब यहाँ पर जो सिचुएशन ब्रॉलर्स के फेवर में थी, एक थोड़ा सा एग्रेसिव मूव था, मुझे लगा कि थोड़ा सा जरूरी नहीं था. अगर वो होल्ड करके साथ में पुश करते तो मे बी दे कुड हैव एंडेड, बट अब गेम थोड़ी बराबर हो चुकी है. दो टीम सोल, दो प्लेयर सोल के बचे हैं, दो प्लेयर यहाँ पे ब्रॉलर्स के बचे हैं और अकेले यहाँ पे सिर भी बचे हैं यहाँ पर जो सिनर्जी क्लैन के. एंड यस, इंटेंस फाइट अभी तक कोशिश करेंगे अपने आप को फुल बूस्ट कर रहे हैं. सांगवान को अपना हील अप करना जरूरी होगा, बट अब मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे पोजीशन के अंदर अगर पोजीशन को कंसीडर करें तो सोल का गेम है. एंड यहां पे वाइपर गाड़ी लेके घुसते हैं, उसे सांगवान सांपवान को नॉक कर दिया, सिर्वी को नॉक करने की कोशिश, बट ये एक नॉक बहुत 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 सही रह सकता है. वो अभी भी व्हीकल चला रहा है. वाइपर ने शायद सिर्वी को स्पॉट किया था एंड उनके ऊपर से गाड़ी चला के बहुत ही प्यारा फाइट लेने की कोशिश, पर सिर्वी का क्या बेहतरीन प्रोन था वाइपर को फिनिश ऑफ करने के लिए. इट्स अ 1v1 बिटवीन मॉर्टल एंड सिर्वी एंड इट्स फाइनली सिर्वी हु कम्स आउट top synergy making that clutch unexpected clutch. kya behtareen day 2 ka end mila, we couldn't have asked for better. delhi ki janta isse behtar expect nahi kar sakti. synergy coming out on top and sabse badi baat sirvi akela bacha tha, wo apne team ko 1v4v3 situation se nikala and got that chicken dinner. is team ke liye bahut hi motivating factor rahega. but yes, soul and brawlers need to think about it. ye game un dono ka bhi ho sakta tha but they couldn't. but huge kudos to synergy getting that chicken dinner in last game. hotel aa chuke screen par aap sun sakte hain darshakon ko ekdam bahar स्टेज की तरफ चलेंगे. चिकन बट यू गॉटन ऑल द हार्ट्स एंड ऑल द पॉइंट्स दैट यू नीडेड. वाइपर, आई एम गोना स्टार्ट विद यू. दैट कार चेज इन द एंड, व्हाट वर यू थिंकिंग? व्हाई डिड यू इवन गेट आउट? यू शुडंट हैव गॉटन आउट. एक्चुअली मॉर्टल सेड की गाड़ी चलाओ एंड आई वेंट इनटू द मोड एंड आई जस्ट रैन ओवर अ गाय एंड आई सॉ द अदर टू गाइस बट आई कुड नॉट रन देम ओवर. सो मोर कार चेजेस फॉर यू इन द अपकमिंग डे. डेफिनेटली आई एम गोना गेट टू यू. मॉर्टल, you're the MVP. You got the maximum kills. Your team was at 9 yesterday. We are at number 2. So many big things happening today for you. How do you feel? I feel good, but then the pressure remains because tomorrow anything can happen again. And you guys, actually, Mortal, I want to ask you one more thing. The esports documentary that was put up on the PUBG esports channel, your fans get to know you a lot better. Now, clearly, you have a whole lot of fans. How do you feel about that? I feel good, you know, if people come to know about me emotionally. So that's the best part. I'm connected to them emotionally. That's the, you know, best part. Yeah, that's the beauty of it. And Clutch God, you're going to keep clutching all through day 3, I'm guessing. What are we expecting on day 3? Obviously, you can't give me your strategies, but you didn't see that, did you? Like number 9 to number 2, or were you already planned that like we're going to go slow and easy into this and just go all the way top? We did not think. I mean, our target was top 5, but then we got number 2 today. So tomorrow is definitely gonna be number 1. Whoa! Big words coming right here from Seoul. And all of you guys sitting at home watching this. Why are you sitting at home and watching this? You can be right here. It's free entry at the KD Jadhav Hall, indoor hall at the Indira Gandhi Stadium. This, whew, is the PUBG Mobile Club Open Fall Split 2019 South Asia Regional Finals title sponsor Vivo, and I'm going to throw it back to the analyst desk for rounding up the day of today.